उसका असर बिहार अब होगा तो देखा जाएगा, यहाँ तो हम देख लेंगे। पहले सब क्या बोल रहे हैं, सरकार कितने दिन चलेगी? कौन सरकार? वो तो आप जानते होंगे, रहते हैं रोज राष्ट्रीय आजकल यही है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कल होने वाली है, तो इसमें आप लोग का मूल एजेंडा क्या है, इसके जरिए आप क्या देना चाहते? राष्ट्रीय एजेंडा जो है, राष्ट्रीय अधिवेशन है पार्टी का, सब पार्टी के संविधान के अनुसार जो टेन्योर होता है अध्यक्ष का, उसके पहले ही चुनाव करा दिया जाता है। चुनाव बिल्कुल जनतांत्रिक तरीका से होता है, और जो कल एजेंडा तय होगा कि कौन कौन सा रिजोल्यूशन हमको लेना है, आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है, और उसके बाद से फरवरी महीना में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बिहार एनडीए के नेता आपको आदर्श बता रहे जगह भी तो बोल रहे थे जाकर कलकत्ता में, यही अभी सब बोले थे ना, पार कर रहे थे अभी चले गए अपने। सर बिहार में लगता है कि एनडीए में सब कुछ कंफर्टेबल है, जाएंगे चुनाव में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बिहार पर? थर्ड फ्रंट बनाने की कोई कोशिश चल रही है? अरे अभी तो चुनाव है तो थर्ड फ्रंट बनाने का होगा जा। लालू जी जाएंगे, जाएंगे चुनाव प्रचार करने आप फिजिकली? एक दो दिन तबीयत ठीक नहीं ना हमारा, हम जाएंगे तो झंझट हो जाएगा, एक भी दिन नहीं जाएंगे। ये चीज देखा जा रहा है, से बोल रहा है, बिहार में एक चीज देखा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है और क्या कोई नई परिवर्तन होने वाली है? मैं अभी तो आया हूँ दिल्ली से, पूरा अध्ययन मैं नहीं किया हूँ, लेकिन ये तो नीतीश कुमार जहाँ जहाँ गए हैं तो उनका तो लक्षण ही रहा, सत्ता के लिए सब जगह नीतीश दौड़ते रहे हैं। तो छेदी पासवान ने जो बयान दिया, दाऊद वाला बात बोला, वो बात नहीं बोलना चाहिए, बाकी तो सब लोग जानता है नीतीश कुमार कहाँ कहाँ जाते हैं। आप कोई संभावना, आप कोई संभावना देख रहे हैं कि राजद के साथ जेडीयू कोई सरकार बना सके? ये देश चुनाव की बात नहीं है, ये बात समझिए इसका, ये देश सिविल वार की बात है। मोदी जी की सरकार में सिविल वार और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी सर, कोई चुनाव लेकर के नहीं। वो तो गंदा बात रोज बोल ही रहा लो, मुजफ्फरनगर तफराना तफराना राम रहना। तो क्या सिविल वॉर की तरफ ये पूरा है? हाँ, ये सब बताता है संकेत, देश में इतनी गरीबी है, महंगी है, सरकारी है, परेशानी है, उसकी एक दिन भी चर्चा नहीं हो रही है, चाहे पीएम का भाषण हो या किसी का हो, सिर्फ अयोध्या और वाराणसी मथुरा काशी यही समय जो लगे हुए हैं, इनको चस्का लग गया है कि इसे कहने से हिंदू वोट मिलेगा, हिंदू लोग भी कोई वोट नहीं देने जा रहा। बीजेपी तो ये कह रही है।